प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव। नमस्ते, आज बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ वीडियो बनाते समय दोस्तों दिल टूट सा जाता है और आज की वीडियो भी बस ऐसी ही है। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। प्यार करना गुनाह है ये तो सुना था, लेकिन इस गुनाह की सज़ा मौत के घाट उतार दे, ये बात दोस्तों गले से नीचे नहीं उतर रही है। हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ पब्लिश हो जाती है कि आज यहाँ इंटरकास्ट लव मैरिज के चलते मर्डर हो गया, कल वहाँ हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों से यही खबरें सामने आ रही हैं। 21वीं सदी में भी इंसान जाति नामक जहरीले कुएं से बाहर आने को तैयार नहीं है। एक 20 साल के मासूम लड़के को बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया, बस इसलिए दोस्तों, क्योंकि उसका गुनाह यह था कि उसने अपने कास्ट से ऊपर की कास्ट की लड़की से प्यार किया। इस तरह की घटना पहली बारी नहीं हुई है, ऐसे लाखों केस भारत में हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, जहां बच्चों के प्यार के बारे में पता चलने पर उन्हें जान से मार दिया जाता है। कभी लड़की को मार दिया जाता है, कभी लड़के को मार दिया जाता है। प्यार करना इतना बड़ा अपराध भी नहीं है दोस्तों कि आप किसी की ज़िंदगी ही ख़त्म कर दो। मैं आज उन तमाम माँ बाप से बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर बच्चों की खुशियाँ समाज से छोटी क्यों हो जाती है? क्यों प्यार जैसे एहसास की किसी के दिल में कदर नहीं है दोस्तों? क्यों जब बच्चों की पसंद नापसंद की बात आती है तो उन्हें समझा नहीं जाता, उन्हें ना समझ करार करके मजबूर किया जाता है जहाँ माँ बाप चाहते हैं वहाँ शादी करने के लिए? आप माँ बाप जो ठहरे और आपको पता है कि बच्चे आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपकी खुशियों के लिए उनको समझौता करना ही पड़ेगा, इसलिए आप जहाँ चाहते हैं उनकी शादी तय कर देते हैं। इंटर कास्ट मैरिज तो दूर की बात है दोस्तों, आज भी बहुत से लोग लव मैरिज तक को सहमति नहीं देते, भले लड़का और लड़की एक धर्म और एक जाति के ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि यदि लड़का और लड़की शादी करेंगे तो समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, उनकी जो नाक है वो नीची हो जाएगी, चार लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ये चार लोग ना तो आपके बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, ना कभी कुछ करेंगे, ना उनको पाल रहे हैं, ना उनके उनका जो घर है वो चलाएंगे। इन चार लोगों को सिर्फ मुंह चलाना आता है और ये उनका काम है, ये करेंगे। तो इन चार लोगों के लिए अपने बच्चों की खुशियों से समझौता करने का क्या मतलब बनता है? आपको शायद ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। कभी उन बच्चों से पूछो कि उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस मुसीबत का सामना करना। बच्चे अपने माँ बाप की खुशियों के लिए शादी कर लेते हैं एक ऐसे इंसान से जिसे वे जानते तक नहीं हैं, लेकिन माँ बाप अपनी खुशियों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करवा सकते अपने बच्चों की जिससे उनके बच्चे दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों से जानते हैं। वे खुश हैं उनके साथ, जीना चाहते हैं, उनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। दोस्तों हम चांद पर होकर आ गए हैं, लेकिन हमारी सोच ना यही कि यहीं जातियों में बंद पड़ी है। रिश्ते किसी की बुनियाद पर नहीं चलते, चलते हैं तो सिर्फ मोहब्बत से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे के सपोर्ट्स करने से। अगर टिकनी होगी तो लव मैरिज भी टिक जाएगी, अगर नहीं टिकनी होगी तो अरेंज मैरिज भी नहीं टिकेगी। अरेंज मैरिज लाइफ टाइम सही चलेगी ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों अगर बच्चों की खुशियाँ छीनने की वजह सिर्फ जाति है, कास्ट है, तो इसको अपने वजह बनाकर अपने बच्चों के शरीर में खंजर खोपना बंद कर दो। कुछ मर जाते हैं तो कुछ मर मर के जीते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे मिलता हूँ अगले इसी तरह के रोचक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।